नारी है, पुरुष का आधा भाग नारी है, पुरुष का वाम अंग नारी थी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम आपको लेकर आ गए अपने वाराणसी के सनातन धर्म इंटर कॉलेज के पास, जहाँ की दुर्गा पूजा पंडाल जो कि इलेक्ट्रिक तरीके से लगाया गया है, आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। बहुत ही भव्य और सुंदर जो कि टॉप में आता है यह दुर्गा पूजा पंडाल, तो आइए दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, इस समय हम जो कि नई सड़क पर मौजूद है मेन रोड पर, और यह जो कि रास्ता चला जाएगा हथुआ मार्केट की तरफ, और इस साइड में देख पा रहे हैं जो कि आपका चला जाएगा गिरजाघर चौराहे पर, और यहीं पर जो कि सनातन धर्म का जो कि बोर्ड लगा हुआ है देख पा रहे हैं, और गेट बनाया गया है, और इसी के अंदर आपको ले चलते हैं, और किस तरह से पंडाल जो कि सजाया गया है किस तरीके से आपको दिखाते हैं। और इस समय टाइम का बात किया जाए तो टाइम दिखा देते हैं आपको, तो देख पा रहे हैं कि 11:43 हो रहे हैं, और अंदर का क्या माहौल है वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो देख पा रहे हैं जो कि अभी कल से दुर्गा पूजा पंडाल स्टार्ट होगा, लेकिन इस समय कितना भीड़ है अंदर और कितने सारे लोग जो कि आए हुए हैं। और ऐसा जो कि बनारस में 3 से 4 दिनों तक चलता रहता है, लोग रात को घूमते रहते हैं, इसलिए कि जो कि दुर्गा पूजा वाराणसी में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। और इस समय आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे लोग जो कि अभी टाइम आपको दिखाया 11:43 हो रहे हैं, कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कि माता के पास आपको लेकर आ गए हैं। आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वह लोग दर्शन कर लें माता के, और कुछ इस तरह से पंडाल जो कि बनाया गया है, और काफी सारे लोग दर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, नारी पुरुष का आधा भाग नारी, पुरुष का वाम अंग नारी थी। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि यह जो कि शीश महल बनाया गया है और काफी सुंदर दिखाई दे रहा है इस समय, और अभी कुछ भी कार्य जो कि बाकी है, तो यह लोग देख पा रहे हैं कि कुछ कार्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं इस समय, और जो कि पूरे पंडाल का व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है आप देख पा रहे हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं किस तरह से जो कि माता की आंखें बंद हो रही हैं और खुल रही हैं, और अभी बंद हो चुकी हैं, और आगे जो कि शंकर जी का पिंडी लगाया गया है अभी जो कि बंद हो जाएगा, ये देख पाएंगे आप। जो कि इलेक्ट्रिक तरीके से स्वचालित बनाया गया है, तो दोस्तों देख पा रहे हैं किस तरह से जो कि स्वचालित तरीके से जो कि पंडाल बनाया गया है, माता की मूर्ति स्वचालित है, इलेक्ट्रिक तरीके से चलाई जा रही है, और इस समय अपडेट देख पा रहे हैं किस तरह से लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जो कि म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, और यह देख पाएंगे जो कि उड़ता हुआ घोड़ा बनाया गया है थीम के रूप में, और सबसे बड़ा थीम तो आपका यह जो कि आपका शीश महल है यही है, और इसमें जो कि अभी कुछ कार्य बाकी है, इसमें अंदर आने के बाद जो कि एग्जिट किया जाता है यहाँ से, इधर ये आपको दिखा देते हैं, ये देख पा रहे हैं जो कि स्कूल का रास्ता है, इस साइड से जो कि हमेशा एग्जिट बनाया जाता है, ये देख पा रहे हैं, और कुछ कार्य अभी बाकी है, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि लोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और ऊपर भी देख पाएंगे कि किस तरह से जो कि कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय हम आपको लेकर आ गए हैं हथुआ मार्केट के पास, और इस समय मेन रोड पर खड़े हैं, अब आपको ले चलते हैं हथुआ मार्केट दिखाते हैं। और हथुआ मार्केट का देख पा रहे हैं कि यह गेट है, और गेट पर इस समय लेकर आपको खड़े हैं,
और किस तरह से जो कि स्वरवेद महामंदिर के थीम पर ये जो कि हथुआ मार्केट बनाया गया है। और यहाँ पे देख पाएंगे कि यह सब बांस बल्ली बांधी गई है ताकि लोगों को जाने के लिए दिक्कत न हो, महिलाओं और पुरुषों को कुछ इस तरह से जो कि बांस बल्ली बांध दिया गया है। और किस तरह से जो कि व्यू आ रहा है इस समय यह आप देख पा रहे हैं, काफी भव्य और सुंदर तरीके से बनाया गया है स्वरवेद महामंदिर के थीम पर। ऊपर देख पाएंगे कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्वरवेद महामंदिर के थीम पर ही यह जो कि पंडाल हथुआ मार्केट का बनाया गया है। और यह जो कि स्वचालित होता है इलेक्ट्रिक तरीके से और बहुत ही फेमस जो कि बनारस की यह दुर्गा पूजा पंडाल होता है हथुआ मार्केट का। जितना भव्य और सुंदर तरीके से बनाया गया है यह आप वीडियो में देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि लोगों को पता चल सके कि बनारस में कौन सी पंडाल किस जगह बनाया गया। और इस समय रात के जो कि 12:09 हो रहे हैं, टाइम आप देख पाएंगे। और आगे ले चलते हैं तो देख पाएंगे ऊपर किस तरह से जो कि कमल का फूल की तरह बनाया गया, जैसे कि स्वरवेद महामंदिर के थीम पर। और जैसा कि स्वरवेद महामंदिर है बिल्कुल सेम कॉपी किया गया है। यह जो कि द्वार ऊपर चढ़कर जाते हैं वह द्वार है, ये भी देख पा रहे हैं जिस तरीके से द्वार पर हाथी घोड़े बनाए गए हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी देख पा रहे हैं दर्शाया गया है। यह सब जो कि हाथी बनाए गए हैं या थर्माकोल के बनाए हुए हैं और किस तरह से बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दिखाई दे रहे हैं। और सीढ़ियाँ वगैरह बनाई गई है जैसा कि सीढ़ियों चढ़कर हम लोग स्वरवेद महामंदिर में जाते हैं, ये देख पाएंगे काफी भव्य सुंदर तरीके से जो कि पंडाल बनाया गया है। अब ले चलते हैं अंदर, देख पा रहे हैं जो कि यह रास्ता अंदर जाने का है और किस तरह से अंदर जो कि बनाया गया है यह भी आपको दिखाते हैं। ये घुसते ही देख पाएंगे कितने प्यारा सा झूमर लगा हुआ है और यह जो कि कुछ इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर इस समय काफी सारे लोग मौजूद हैं जो कि 12:10 से 15 हो रहे हैं, देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से जो कि बादलों के बीच में माताओं को विराजमान किया गया है, ऐसा बनाया गया है। यह इलेक्ट्रिक तरीके से टोटल संचालित है और ऐसा माना जाता है कि बनारस के हथुआ मार्केट का पंडाल जो कि टॉप में आता है वाराणसी के पंडालों में। तो आपको यह वीडियो अगर लगे कि अच्छा बनाया गया है यह पंडाल तो आप कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी जरूर करिएगा। और कुछ इस तरह से जो कि ऐसा क्रिएट किया गया है जो कि बादल में जैसे लगता है माता विराजमान है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, देख पाएंगे कि किस तरह से इसे स्वरवेद महामंदिर के थीम पर बिल्कुल बनाया गया है। और ऊपर का डिजाइन देख पाएंगे किस तरह झूमर वगैरह लगाकर बिल्कुल महल जैसा बनाया गया है जैसा कि स्वरवेद महामंदिर में आपको दिखाई देता है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और यह सब जो कि मोर पंखी वगैरह बने हुए हैं जैसा कि वहाँ पर बना है उसी तरह से इस पर भी बनाए गए हैं दोस्तों। देख पा रहे हैं जिस तरह से जो कि पंडाल बनाया गया है काफ़ी अच्छा और भव्य सुंदर तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर जो कि हर साल इसी तरीके से बनाया जाता है और इस बार थोड़ा सा चेंजेस है जो कि लोग आएंगे देखने के लिए उनके लिए। तो जो कि इस साइड से एंट्री है जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, देख पा रहे हैं इस साइड से एंट्री है और इधर से ही घुसेंगे और इसमें जाएंगे फिर इसी साइड से जो कि एग्जिट हो जाएंगे। एक तरफ से इसी तरह जो कि पुरुषों का है और एक तरफ से महिलाओं का है और ऐसा सेफ्टी के हिसाब से किया गया है तो काफ़ी अच्छा है। आपको महिलाओं की तरफ का भी दिखा देते हैं, देख पा रहे हैं दोस्तों जो कि यह महिलाओं की तरफ का है और इधर से जो कि एंट्री है और एग्जिट भी इधर से कर दिया गया है और कुछ इस तरह से जो कि पंडाल नज़र आ रहा है। तो यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि बनारस में कौन सा पंडाल किस जगह लगा है और किस तरीके का लगा है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।